गुड इवनिंग बच्चों, थोड़ा एडजस्टमेंट में देर लग गई। एक दो क्वेश्चन हैं जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि सर पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, तो इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और ये आप जानते हो कि इस बात का बहुत सारे लोगों के पास कोई जवाब नहीं कि पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। अब चूंकि सारे लोग ये बात अपील कर रहे हैं कि पेपर ना हो, बहुत सारी प्रॉब्लम है, कहीं बाढ़ है, कोरोना है, लोगों के डिस्टेंसेस दूर हैं, आप लोग भी यही चाहते हो। पर मेरा एक क्वेश्चन आप सब लोगों के साथ है कि अगर मान लीजिए पेपर हो गया तो तब क्या आप 13 तारीख के लिए प्रिपेयर हो? तब आप क्या कहेंगे कि हम सब इसी समस्या में परेशान रहे और हम समझ नहीं पाए कि पेपर होगा कि नहीं होगा और इस वजह से हमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया? मैं अपना एक रोल समझता हूँ, मेरे से जो हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके क्रैश कोर्स को जो मैंने शुरू किया था, बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, इस वजह से मैं काफ़ी बीमार रहा, इस वजह से मैं आपका कोर्स कॉन्टिन्यूस नहीं कर पाया। बट अब मैं उस कोर्स को फिर से कॉन्टिन्यू करता हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, मैं जितना 5-7 दिन 10 दिन जितने दिन मैं आपके साथ मैक्सिमम चीज़ें करा सकता हूँ कराता जाऊँगा। आज के चैप्टर में मुझे एक बार आपका कैमरा ऑटो फोकस चेक करना है बस। यस, मुझे आज के टॉपिक में आपको पढ़ाना है रेस्पायरेशन इन प्लांट। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पायरेशन इन प्लांट एक छोटा सा टॉपिक है। तो चलते हैं, इसे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेल के बारे में बात करते हैं, वेदर इट इज़ प्लांट सेल और एनिमल सेल। चूंकि हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर प्रोसेस चल रहे हैं, इन प्रोसेस का नाम है मेटाबॉलिज्म। याद रहेगा, और इस मेटाबॉलिज्म की वजह से ही ये सेल लिविंग कंडीशन में है, लिविंग सेल है। याद रखिए, पहला चैप्टर हमें बताता है लिविंग होने की सबसे पहली क्वालिटी है कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मेटाबॉलिज्म के दौरान वी रिक्वायर एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत है। अगर मेटाबॉलिज्म हमें किसी सेल के अंदर करनी है, याद रखना, तो हमें चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आएगी? एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर सेल के अंदर कभी भी एनर्जी की बात करते हो, मान लो सेल के अंदर कोई भी प्रोसेस चल रहा है और उसमें एनर्जी की जरूरत है, या तो एनर्जी निकल रही है या तो एनर्जी यहां पर यूज हो रही है, तो सेल के अंदर एनर्जी का मतलब केवल होता है एटीपी, दैट इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आज का बेसिक पॉइंट यही है कि दुनिया की कोई भी सेल हो, लेट सपोज इट इज अ प्लांट सेल और एनिमल्स, वट एवर, कोई भी सेल हो, उस सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? तो बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या चाहिए? बोले एनर्जी। तो वॉट इज सोर्स ऑफ दिस एनर्जी? ये एनर्जी आएगी कहां से? ये पहला क्वेश्चन होगा। तो इस आंसर का, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दिया जाता है कि सर अगर ये एनिमल सेल है, याद रखिएगा, लेट सपोज इट इज अ एनिमल सेल, या फिर ये प्लांट सेल है, या तो ये प्लांट सेल है या तो एनिमल सेल है, कोई भी सेल हो, ये एनर्जी पाने के लिए हमें फूड लेना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा फूड, यानी अंततः फूड जो भी हमने खाया है वो फूड एक ना एक दिन सेल के अंदर पहुंचता है। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा कि अगर हम एनिमल हैं तो फूड सेल के अंदर कैसे पहुंच सकता है? तो आपने पढ़ा होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वाले प्रोसेस में फूड जो होता है वो ब्लड से सेल की तरफ जाता है, और ये फूड जो है इसका ब्रेक डाउन होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है। और जब इस फूड का ब्रेक डाउन होता है तो याद रखना फूड है, इसका ब्रेक डाउन होगा, और इस ब्रेक डाउन होने की वजह से निकलती है एनर्जी, और यही एनर्जी है जो एटीपी के रूप में यूज होती है, जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया की कोई भी सेल हो, वेदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसे जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म की जरूरत है। अगर जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म की जरूरत है तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से? सेल के पास एनर्जी आएगी कहाँ से? सेल के पास एनर्जी का मतलब कोई भी एनर्जी नहीं होती, वो एटीपी होती। तो हम बोलेंगे ये सेल एटीपी लाएगी कहाँ से? तो हमने बोला चाहे ये प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ये एनर्जी वो लोग फूड से लाएंगे।
अब फूड लेने के तरीके अलग है, प्लांट तो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से ला सकता है, प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करके फूड क्रिएट कर लेता है, और एनिमल अपना फूड इंजेशन के द्वारा कर लेता है, जिस दैट इज नोन एज होलोजोइक प्रोसेस। तो किसी भी तरीके से हम फूड की व्यवस्था करें, फूड को सेल के अंदर डालें, और सेल के अंदर इस फूड का होगा ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन से मिलेगी एनर्जी। अब आपको लगेगा सर इस सब प्रोसेस से रेस्पिरेशन का क्या लेना देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है बच्चे रेस्पिरेशन को सांस लेना और सांस छोड़ना समझते हैं, वो समझते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं है, केवल सांस ले लेना और सांस छोड़ देना, इट इज नॉट रेस्पिरेशन, नो। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन, मैं लिख दे रहा हूं रेस्पिरेशन, वैसे तो एम्फीबोलिक है, वैसे तो एम्फीबोलिक है जो बाद में हम प्रूव करेंगे, लेकिन इट इज प्राइमरली कैटाबॉलिक प्रोसेस, प्राइमरली कैटाबॉलिक प्रोसेस। सो कभी कभी लोग पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें बड़े मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, तो रेस्पिरेशन भी एक प्राइमरली कैटाबॉलिक प्रोसेस है। वैसे आपको बहुत सारे टीचर, मैं भी आगे चल के पढ़ाऊंगा कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों होता है, लेकिन आपको शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी। रेस्पिरेशन इज प्राइमरली कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। Mind it, it is the breakdown of the food particle. जो food particle हैं, these are the food particles, इनका होगा breakdown. और breakdown होने के बाद, इन food particle के breakdown होने के बाद energy निकलेगी, और इसी energy को ATP के रूप में store किया जाएगा। Once I want to check the focus. Okay, thank you very much. Is respiration. Respiration is a primarily catabolic process in which breakdown of food particle takes place. Take place to release energy which is stored in form of ATP. Itna simple process hai. तो अगर कोई तुम्हें रेस्पिरेशन बोले तो चुपचाप ये मत बोला कि इट इज इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो जल्दी जल्दी मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट हो रहे हैं। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ प्राइमरली कैटाबॉलिक प्रोसेस जो सेल के अंदर होता है, और ये जो सेल के अंदर प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वंस मोर एक बार इसका खाका खींचते हैं। लेट सपोज ये एक सेल है, दिस इज अ सेल। सेल के अंदर कहीं से फूड पहुंच चुका है, इस फूड का होगा ब्रेकडाउन, मैं फिर से लिख दे रहा हूं ब्रेकडाउन होगा, और अगर फूड के ब्रेकडाउन के दौरान सिंपल मॉलिक्यूल बनेंगे, ओके, बन गए सिंपल मॉलिक्यूल्स, और इन सिंपल मॉलिक्यूल बनने के दौरान एनर्जी निकलेगी, यस, और ये जो एनर्जी निकलेगी वो एटीपी के रूप में स्टोर होगी। So, respiration is a breakdown of the food particle into simple molecule to release the energy which is stored in the form of ATP. अब अगर ये respiration oxygen की presence में होता है, यानी कि food particle का breakdown, ध्यान समझिएगा, food particle का breakdown अगर oxygen की presence में होता है, तो इस process को हम लोग बोलेंगे aerobic respiration। और अगर ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा, तो इस तरीके के रेस्पिरेशन को बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और याद रखना, जिसे ज्यादातर लोग रेस्पिरेशन का समझते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, वो एरोबिक पार्ट है, क्योंकि बेटा एरोबिक पार्ट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, और गैसेस का एक्सचेंज जरूरी है, और गैसेस के एक्सचेंज की वजह से यहां पर गैसेस का लेना और छोड़ना जारी रहता है, जिसे हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग अलग बात है, रेस्पिरेशन अलग बात है। तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल टू रिलीज द एनर्जी, एंड दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इफ इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इफ इट अकर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Once more. जो फूड पार्टिकल रेस्पिरेशन में यूज हो रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट।
फूड पार्टिकल जिनका रेस्पायरेशन हो रहा है, उन फूड पार्टिकल का जिनका ब्रेक डाउन हो रहा है और वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट। मेनली तीन चार कैटेगरीज है, इसमें मैं तीन कैटेगरीज लिख रहा हूँ। या तो ये कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, याद रखना कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, या तो ये फैट हो सकते हैं, या तो प्रोटीन हो सकते हैं, वैसे तो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, और भी सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मेनली तीन रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है, या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो फैट, या तो प्रोटीन। याद रखना कार्बोहाइड्रेट और फैट का अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट का बेटा ब्रेकडाउन होकर सिंपल मॉलिक्यूल में लाकर के एटीपी बन रही है, देन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। आपको याद रखना पड़ेगा, इसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और अगर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा, इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर भी बता दिया, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है एरोबिक, ऑक्सीजन एब्सेंस है एनारोबिक, और हमने जो फूड पार्टिकल है उनके सब्सट्रेट की बेसिस पे बता दिया कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट फैट है तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हुआ, और अगर प्रोटीन है तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इस तरीके से भी देख ले और इस तरीके से भी देख ले। एक और बात है, चूंकि ये रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज सम टाइम इट इज नोन एज इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर नॉर्मल बुक में इसे सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसे बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। और सबसे बड़ी बात है कि सेल में तो बहुत सारी जगह है, सेल में तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, एक्चुअली रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनेल में होता है। सो आपको याद रखना है जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसकी प्लेसेस दो जगह है। पहली प्लेस तो है साइटोप्लाज्म, एक प्लेस है साइटोप्लाज्म और दूसरी प्लेस है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होने के बावजूद, ऑल दो रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है, इसके बावजूद ये रेस्पिरेशन दो ही जगह हो सकता है, या तो साइटोप्लाज्म में होता है या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है, अब उस बात को डील करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी निपटाइए। रेस्पिरेशन में फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन होता है जिससे सिंपल मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को एटीपी के रूप में यूज कर लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ तो एरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ तो एनारोबिक। फिर वो जो सब्सट्रेट, जो फूड जो बेटा रेस्पिरेशन में यूज होगा, उसे बोलेंगे रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। और ये हो सकता है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट है तो इसे बोलेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और अगर ये प्रोटीन है तो इसे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। वन मोर थिंग जो कॉन्सेप्चुअली आपको याद रखनी चाहिए, मान लीजिए मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो सेल का आपने बताया साइटोप्लाज्म, और दूसरा मैंने आपको बताया सेल के पास एक सेल ऑर्गेनेल है और इस सेल ऑर्गेनेल का नाम मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका रेस्पिरेशन दोनों जगह हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। यानी रेस्पिरेशन के दो प्लेसेस हैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। एक कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, साइटोप्लाज्म में होने वाले रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी। इसका मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ये प्रोसेस हो सकता है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ये प्रोसेस हो सकता है। अगर साइटोप्लाज्म में कोई भी रेस्पिरेशन हो रहा है, साइटोप्लाज्म में कोई भी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, अब्सेंस में भी हो सकता है। लेकिन अगर रेस्पिरेशन का कोई भी स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, देन ऑक्सीजन प्रेजेंस इज नेसेसरी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत अनिवार्य है। इसका मतलब जो लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते होंगे, याद रखना जो लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते होंगे वो कभी माइटोकॉन्ड्रिया यूज नहीं करते होंगे, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते होंगे वो साइटोप्लाज्म भी यूज करते होंगे, कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है, ऑक्सीजन में भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी यूज करते होंगे, याद रहेगा। तो फ्री बेसिकली
हम लोग फिर से बोल रहे हैं कि रेस्पायरेशन एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होता है, दो जगह हो सकता है, साइटोप्लाज्म में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है। साइटोप्लाज्म में होने के लिए याद रखना है आपको, साइटोप्लाज्म में होने के लिए जो प्रोसेस है वो में ऑक्सीजन की जरूरत जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन में भी हो सकता है। याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हम लेके चलते हैं, वैसे तो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है मैंने बोला था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हम लोग को लेके चलते हैं वो ग्लूकोज लेके चलते हैं। सो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे स्टेप वाइज हो रहा है जिससे खूब सारी एनर्जी निकल रही है, और ये कहाँ हो रहा है, मैंने पहले ही बोल रखा है कि ये सेल के अंदर हो रहा है, और सेल के अंदर कितनी जगह पर हो रहा है, दो जगह पर हो रहा है, या तो वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, फिर से मैं बता दूं, और या तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। मैं बार बार वही डायग्राम बना रहा हूं, आप समझ लीजिए। याद रखना अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके पाइरुविक एसिड नाम का एक सब्सटेंस बनेगा, और ये ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होगा, ध्यान समझिएगा, ये ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें ग्लूकोज का चूंकि ब्रेकडाउन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। लिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन और ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज। सो एक प्रोसेस जो हर जगह पर होगा, इट इज ग्लाइकोलिसिस। दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म जो रेस्पायरेशन करने जा रहा, वेदर इट इज एरोबिक और एनारोबिक, वो ग्लाइकोलिसिस नाम का प्रोसेस करेगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद पाइरुविक एसिड बनेगा, ध्यान समझिएगा। अब इस पाइरुविक एसिड का फेट ये है कि या तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ प्रोसीड करे, ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट यहीं पर है, और या तो पाइरुविक एसिड यहीं साइटोप्लाज्म में पड़ा रहे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ प्रोसीड करे तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, और अगर वो यही पाइरुविक एसिड ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के यही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहा तो यहां पर वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन कर जाएगा, एनएरोबिक रेस्पायरेशन, और उस एनएरोबिक रेस्पायरेशन का एक स्टेप है फर्मेंटेशन। तो जितने लोग भी होशियार लोग हैं वो समझते हैं कि जो लोग एनएरोबिक लोग हैं वो लोग ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन नाम का प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन अगर ग्लाइकोलिसिस के बाद ऑक्सीजन मिल जाए तो ये प्रोसेस नहीं होंगे, ये पाइरुविक एसिड मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 4 होनी है। याद रखना अगर मैंने ग्लाइकोलिसिस का नाम रिएक्शन नंबर 1 रखा है तो 1 वाला फर्मेंटेशन की तरफ जा सकता है तो वो 2' में जाके समाप्त हो सकता है, लेकिन 1 वाला प्रोसेस अगर माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चला गया बच्चों तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे जाकर के 3 और रिएक्शन हो सकती हैं। तो लिंक रिएक्शन हो सकती है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके अलावा क्रेब्स साइकिल हो सकती है, और इसके अलावा ETS हो सकती है। लोग हवा बना करके इसे पढ़ते हैं कि साहब बड़ा मुश्किल चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर। देखिए अगर एनारोबिक रेस्पायरेशन करना है तो ये नहीं देखना, हमें केवल क्या देखना है, ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन, दैट्स इट, ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन। और अगर एरोबिक रेस्पायरेशन देखना है तो ये नहीं देखना है, हमें देखना है ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS। सो हमारे पास बेसिकली या तो ये 4 प्रोसेस हैं या तो ये 2 प्रोसेस हैं, क्योंकि अगर मैं इन सारे को एक साथ मिलाऊं 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 प्रकार की साइकिल समय पढ़नी है। अगर ये 5 साइकिल समय अच्छी तरीके से आते हैं तो हम रेस्पायरेशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और हमें डरना नहीं चाहिए कि रेस्पायरेशन कैसे होगा। तो आपको सामने मैंने बताया कि रेस्पायरेटरी सब्सटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाकर के ग्लाइकोलिसिस कर रहा, और ग्लाइकोलिसिस करने के बाद या तो वो फर्मेंटेशन कर रहा है, और अगर फर्मेंटेशन नहीं कर रहा तो एरोबिक रेस्पायरेशन की तरफ जा रहा है, और अगर एरोबिक रेस्पायरेशन की तरफ जा रहा है तो वह या तो वो लिंक रिएक्शन करेगा, क्रेब्स साइकिल करेगा, या तो वो फिर ETS करेगा। तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रोसेस आता है इट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पहला पॉइंट, ये कॉमन पाथवे है, याद रखना जो क्वेश्चन बनते जाते हैं मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, ये कॉमन पाथवे है जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी करते हैं और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म भी करते हैं।
तो आपको याद रखना है ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस परफॉर्म बाय एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोथ। याद रखना ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, पहला पॉइंट। इसका मतलब साइटोप्लाज्म में होने वाले प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकते हैं, अब्सेंस में भी हो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट, ये साइटोप्लाज्म में होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और अब्सेंस में भी हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस को ढूंढने वाले तीन साइंटिस्ट, इसका इनका नाम है एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। तो याद रखना एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस तीन साइंटिस्ट की वजह से इस पाथवे का नाम EMP पाथवे भी है। तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से जुड़े कॉमन क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। जल्दी से बताइए कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए। यस, जल्दी से बताइए। पहली बात तो ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है, एम्डेन मेयरहॉफ पार्नस ने यूज किया था और EMP पाथवे। देखिए आप लोग बड़े जल्दी से चीजें भूल जाओगे मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं प्लीज इस पूरे बोर्ड को जितना आपको दिख रहा है इसे एक कोशिका समझिए, ये एक सेल समझिए। और अगर ये एक सेल है आपके लिए तो अब आपके सामने सेल के अंदर का मटेरियल जो भी है उसे आप साइटोप्लाज्म समझिए, यानी ये वो साइटोप्लाज्म है जहां पर मैं ग्लाइकोलिसिस नाम का प्रोसेस करने जा रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये स्टेप है मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप लोग देखते जाइएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1.6 डाई फॉस्फेट, 1.6 डाई फॉस्फेट। बस एक चीज याद रखना है, ग्लूकोज 6 कार्बन का मटेरियल है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन और फ्रक्टोज 1.6 डाई फॉस्फेट में भी 6 कार्बन। इतनी दूर तक तो 6 कार्बन का आपको चेन मिल रही है, इसके बाद फ्रक्टोज ब्रेक डाउन करेगा और 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। याद रखिए फ्रक्टोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और अगर ये फ्रक्टोज एक सुगर है तो सुगर जब भी टूटेगी वो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएगी। याद रखना एक मॉलिक्यूल का नाम होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरे का नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। याद रखिएगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आगे चल के बनाएगा 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड वी गोइंग टू फॉर्म 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एरो बहुत ध्यान रखिएगा, 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल फॉर्म द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल फॉर्म द 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल फॉर्म 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, एंड 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड विल फॉर्म द पाइरुविक एसिड। मैं आपको बताता चलूं, ये तीन कार्बन का, ये भी तीन कार्बन का, और ये भी तीन कार्बन का। तो आपको क्या लगेगा कि 6 कार्बन से 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना, लेकिन आप भूल गए डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट भी आप लेकर के चले थे जो आप छोड़ दिए। डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट विल कन्वर्ट इट सेल्फ इन टू द 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन। तो यहां के बाद रिएक्शन जस्ट डबल हो जाएगी, यानी ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, अंततः 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड बन जाएंगे। ये रिएक्शन देखने में जितने आसान लगती है उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है।
इसलिए इस रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। ऑल्दो ये स्टेप लिखे हैं, लिखने भी जरूरी है, मेरे पास टाइम भी बहुत कम है इसलिए लिखना जरूरी है, मैं इसलिए लिख गया हूं। एक बार आप लोग इन स्टेप को ध्यान से देखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पाइरविक एसिड एंड पाइरविक एसिड। कई बार लोग इसकी जस्ट मगिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं, बस किसी तरीके से रट्टा मार लें। मैं आपसे कहूंगा आपको रट्टा नहीं मारना, आप पहले ग्लूकोज के बारे में सोचें। एक एल्डिहाइड है CH2OH, एक दो तीन चार पांच CH2OH और छठा CH2OH। आप अच्छी तरीके से इस मॉलिक्यूल को अपनी बुक में बना सकते हैं, चाहे भाई मेरे आपके बोर्ड में भले ना दिख रहा हो। ये ग्लूकोज नाम का मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज की ये रही पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी पोजीशन। छठी पोजीशन में फॉस्फेट आ गया, तो ग्लूकोज की छठी पोजीशन में फॉस्फेट आ गया तो क्या बनेगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। पहला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज की छठी पोजीशन पे फॉस्फेट आया तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, लेकिन ये ग्लूकोज आया कहां से? बच्चों ये ग्लूकोज एटीपी से आया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। इसके पास 3 फॉस्फेट थे, उसने 1 फॉस्फेट ग्लूकोज को दिया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया, खुद कन्वर्ट हुआ एडीपी में। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फंक्शनल आइसोमर है, इसलिए यहां पर आइसोमरेज नाम का एंजाइम काम करेगा और ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना देगा। याद रखना यहां हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम काम करेगा, क्योंकि बेटा ये एक हेक्सोज सुगर। नाउ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट, यानी छठी पोजीशन पे फॉस्फेट हो और पहली पोजीशन में भी फॉस्फेट आ जाए, तो अभी अगर ये ग्लूकोज के बजाय फ्रक्टोज हो तो फिर क्या हो जाएगा? इट विल बिकम द फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट। आप अगेन क्वेश्चन पूछोगे सर ये फॉस्फेट आया कहां से, वही जवाब, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट बनाने के लिए एटीपी यूज होंगी और एडीपी बनाएगी और वो एक फॉस्फेट फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट को बना देगा। फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट के बाद 2 फॉस्फेट है, 1 फॉस्फेट ले गया डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट और 1 ले गया 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। आपको 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी सोचना जरूरी है कि ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या भला है। आप ग्लिसराल देखिए CH2OH, CHOH और CH2OH, ये आप ग्लिसराल को जानते हैं। अब ग्लिसरॉल की जगह पर मैं यहां पर एल्डिहाइड बना दूं, इट इज नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड ग्लिसरल्डिहाइड, और उसकी तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट हो, इट इज नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो ये है वो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, इसका मतलब पहली पोजीशन पे भी फॉस्फेट आया। फॉस्फेट कहां से आया? जवाब आप दोगे सर एटीपी से, नहीं, ये फॉस्फेट H3PO4 से आया। अगर आपको C3 साइकिल याद है जो मैंने पढ़ाई थी केल्विन साइकिल, वहां पर भी ये स्टेप था, खैर आप याद करते रहिएगा। तो ये फॉस्फेट से 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना। नाउ 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से बना 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बहुत ध्यान से देखिए, ये है 1 पहली पोजीशन में भी फॉस्फेट, तीसरी पोजीशन में भी फॉस्फेट, 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, लेकिन इस ग्लिसरल्डिहाइड को मैं ग्लिसरिक एसिड में चेंज करना चाहता हूं, एल्डिहाइड बिकम एसिड। और अगर एल्डिहाइड एसिड बन रहा, इट इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन का निकलना। यस, 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना, इसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ी होगी या तो हाइड्रोजन निकली होगी। इनफैक्ट यहां पर हाइड्रोजन निकली और इस हाइड्रोजन को पकड़ा NAD ने और बनाया NADH। याद रखना NAD ने पकड़कर NADH बनाया। बहुत आसान स्टेप है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1 डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट,
थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड H3PO पर आया, और फिर एल्डिहाइड से एसिड, एसिड बनाने के लिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, NAD से NADH बना। 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहला मॉलिक्यूल है जो एक फॉस्फेट लूज कर देता है। फॉस्फेट अगर लूज कर दिया तो क्या बना? थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वो फॉस्फेट गया कहां? सर उस फॉस्फेट को पकड़ा ADP ने और कन्वर्ट किया ATP पर। याद रखना ये वो पहला स्टेप है जहां पर ATP बनता है। ये ATP यूज हो रहा, ये ATP यूज हो रहा, ये ATP बन रहा है। इसके बाद याद रखना थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, केवल फॉस्फेट अपनी पोजीशन 3 से 2 बदलता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड, इसमें भी कीटोइनॉल जैसे चेंज होते हैं, और फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड से पायरविक एसिड, फिर से फॉस्फेट निकलता है और उस फॉस्फेट को पकड़ता है ADP और बनाता है ATP। कुछ लोगों को लगेगा दो ATP सर यूज हुए और दो ATP बन गए, साहब बराबर नहीं, आप भूल गए यहां तक रिएक्शन 6 कार्बन की थी और यहां के बाद रिएक्शन 3 कार्बन की है, और 3 कार्बन का मतलब है 6 कार्बन से 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। या फिर यूं सोच लो पहले ये मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में जाएगा, तो हर बार रिएक्शन कितनी होगी? डबल। इसका मतलब यहां 2 H3PO4 यूज होंगे, यहां 2 NADH बनेंगे, यहां 2 ATP बनेगी और यहां भी 2 ATP बनेंगी, और इस तरीके से आपको 2 और 2 4 ATP मिलेंगी। 2 ATP यूज होंगी, 4 बनी, 2 यूज हुई, 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 का नेट गेन, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? 2 मोल पायरविक एसिड। अगर ग्लाइकोलिसिस को आप ऐसे नहीं भूलते हैं तो आप हीरो हैं और आप समझ जाएंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। मैं हटा रहा हूं, आप समझते जाइए। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1.6 डाई फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1.6 डाई फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरविक एसिड, पायरविक एसिड। नहीं समझ आए, मैं यहां पर एक रीकैप लिखता हूं, अब रीकैप दोबारा दोहरा नहीं पाऊंगा। आप याद रखिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरविक एसिड बनेंगे। अगर आप इतना जानते हैं तो भैया आपको बहुत कुछ आता है, और आपको याद रखना पड़ेगा एक ऐसा स्टेप होगा जहां 1 ATP यूज होगा। अगर आप बुद्धिमान है तो बता सकते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक और स्टेप ऐसा होगा जहां पर 1 ATP और यूज होगा। ये जो एरो है इधर की तरफ यूज होने वाले हैं, इट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज फ्रक्टोज 1.6 डाई फॉस्फेट। एक ऐसा स्टेप है जहां 2 NADH बनेंगे। अगर आपको याद हो ये स्टेप था 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एल्डिहाइड से एसिड। कैसे याद रखोगे? एल्डिहाइड से एसिड, 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1.3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर आपको याद होगा एक स्टेप था जिसमें 2 ATP बने थे, फिर दूसरा एक और स्टेप था जिसमें 2 ATP बने थे, तो टोटल ATP ये वाले हैं फॉर्म्ड, ये फॉर्म्ड ATP हैं, और ये वाले ATP हैं यूज्ड। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नेट गेन ऑफ ATP कितना होगा। नेट गेन ऑफ ATP भैया 4 में से 2 गया, तो 4 - 2 इट इज 2 ATP। लेकिन बच्चों अगर मेरे साथ पढ़ना है तो आप इस 2 NADH को मत भूलना, बोलना ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP के साथ 2 NADH भी मिलते हैं। अगर आप इतना कर पाओगे तो मेरे लिए बड़े सुकून की बात हो जाएगी। 2 ATP के साथ 2 NADH भी मिलते हैं। तो ये हो गई ग्लाइकोलिसिस, और ये कहां हुई? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मिल गया पायरविक एसिड। अब इस पायरविक एसिड के 2 फेट हैं। पहला फेट है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाए, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाए तो एरोबिक रिएक्शन करे, और एरोबिक रिएक्शन करे तो एरोबिक रेस्पायरेशन करे, और एरोबिक रेस्पायरेशन करे तो वो आपको कहां पर होगा? वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन दूसरा तरीका ये है
कि ये पायरविक एसिड यही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहे और साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा एक प्रोसेस करे फर्मेंटेशन। आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको वहां पर फर्मेंटेशन नाम का एक टॉपिक दिख जाएगा। मेरे पास समय कम होने की वजह से मैं फर्मेंटेशन को यहीं पर खींच रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि ऑक्सीजन की अब्सेंस है, माइनस ओ टू है, तो ये पायरविक एसिड क्या करेगा। अब पायरविक एसिड दो तरीके से फर्मेंट हो सकता है, दो तरीके से, या तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करे या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करे। यानी पायरविक एसिड या तो अल्कोहल बनाए या तो लैक्टिक एसिड बनाए। अब ये दोनों प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म में नहीं है, अलग अलग है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये पाया जाता है ईस्ट में, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये रहा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया में पाया जाता है, इट इज इन लैक्टोबैसिलस। तो अब ये पायरविक एसिड अगर ईस्ट का है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, और अगर लैक्टोबैसिलस का है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा। बहरहाल अगर फर्मेंटेशन हुआ तो क्या होगा, दो पायरविक एसिड से दो मोल CH2OH बनेंगे, सॉरी इट इज CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, और साथ में दो मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और याद रखना जब भी ये प्रोसेस हो रहा होगा, मेरे पास यही दूसरा कलर है मैं यूज कर रहा हूं, तब हर मोल पायरविक एसिड के लिए एक NADH की जरूरत होगी। तो चूंकि दो मोल पायरविक एसिड से दो मोल एथाइल अल्कोहल बन रहा है, इसलिए दो NADH यूज हो जाएंगे और दो NAD बनाएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन है कि ये दो NADH आए कहां से। देखिए ग्लाइकोलिसिस ने आपको दो NADH दिए थे, वो दो NADH यहां यूज हो। अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो क्या होगा, ये प्रोसेस होगा, और यहां पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये लैक्ट्रोइड डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम पायरविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो दो मोल पायरविक एसिड दो मोल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में भी दो NADH यूज होंगे, पर मोल एक NADH यूज होगा और दो NAD कन्वर्ट होगा। इसका मतलब वो NADH भी कहां पर आएंगे, यहां पर। अब कुछ लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बताइए ये तो दो NADH है, दो ये ले गया दो ये ले गया तो टोटल चार हो गया। मैंने बोला भाई या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो ये दोनों इधर जाएंगे, और या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा तो दोनों यहां जाएंगे, दोनों एक साथ प्रोसेस नहीं होंगे। या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इस तरीके से जब भी फर्मेंटेशन होगा तब आपके पास क्या होगा, दो ATP यूज होंगे, चार ATP बनेंगे, दो NADH बनेंगे और वही दो NADH यूज हो जाएंगे। तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन, याद रखना एनएरोबिक रेस्पायरेशन में नेट गेन क्या आएगा, केवल दो ATP आएगा, ये जो NADH है वो नहीं मिलेगी। लेकिन कभी ग्लाइकोलिसिस के बारे में पूछा जाए तो आप बोलिए ATP के साथ दो NADH भी मिलेंगे, लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पायरेशन के बाद पूछा जाए, फर्मेंटेशन के लिए पूछा जाए, तो आप बताइए दो ATP बनेंगे और वो जो दो NADH बने थे वो फर्मेंटेशन में यूज हो जाएंगे। So this is a fermentation, and ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं। So इस तरीके से हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में ज्यादातर चीजें सीख पाए जो हमें मालूम होनी चाहिए। एक और बात है कि नेचुरल फर्मेंटेशन में 13% अल्कोहल आते आते ईस्ट की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ ईस्ट हो जाती है। तो मैक्सिमम नेचुरल फर्मेंटेशन के दौरान
जो मैक्सिमम एल्कोहल परसेंटेज हो सकता है वो 13% हो सकता है, इसके बियॉन्ड नेचुरल फर्मेंटेशन में एल्कोहल नहीं मिलेगा। इसीलिए बियर और वाइन में मैक्सिमम एल्कोहल परसेंटेज 13% होगा। इससे ज़्यादा परसेंटेज एल्कोहल चाहिए तो आपको डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, जो कि एक अलग प्रोसेस होगा। सो मैंने आपके सामने अभी अभी क्लियर कट बता दिया कि प्रोसेस क्या हो रहा है। आपके सामने मैंने ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ फर्मेंटेशन क्लियर कर दिया। तो चलिए, ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ फर्मेंटेशन क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि अगर फर्मेंटेशन ना हुआ तो क्या होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। देखिए, मैं बार बार आपको याद दिलाता जाऊं कि ये जो ग्लूकोज है इसकी किस्मत में पायरविक एसिड बनना लिखा है, वो भी 2 मोल पायरविक एसिड लिखना बना, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये तो हर बंदा करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, परेशान मत होइए। और अगर बेटा ये बिना ऑक्सीजन के गया तो फर्मेंटेशन में जाएगा, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया था। पर मान लीजिए ऑक्सीजन है तब क्या है, तो आपने देखा ये साइटोप्लाज्म है, यहीं पर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया। अब मान के चलिए ये पोर्शन साइटोप्लाज्म है और जो मैं ये बना रहा हूं ये माइटोकॉन्ड्रिया। प्लीज थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करिए कि ये जो मैंने बनाया है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आपके सामने एक पिक्चर मेमोरी क्रिएट होगी और आप थोड़ा सीख पाएंगे। सो होगा क्या कि अगर बेटा ऑक्सीजन मिली, प्लस ऑक्सीजन हुई, तो बेटा ये एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएगा, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएगा तो चीजें साइटोप्लाज्म से, फिर से देखो ये था साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ शिफ्ट होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा पायरेविक एसिड, ये रहा वो पायरेविक एसिड। एक्चुअली जो मैं ये रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, इस रिएक्शन को लोग लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, वैसे मैं इसे एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरविक एसिड बोलता हूं, एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरविक एसिड। आप इसे लिंक रिएक्शन भी बोले, मैं इसको एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरविक एसिड बोल रहा हूं। इसका मतलब ये जो 2 मोल पायरविक एसिड बना था उसमें से ये पायरविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ गया। वैसे ये रिएक्शन शुरू हो जाती है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, पर मैं वो रिएक्शन दिखा नहीं पाऊंगा कि कैसे कैसे यहां तक, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। इस पायरविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा, और ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा। तो पहले मैं कहूंगा कि अगर आप इसका एंजाइम याद कर लेते हो तो आपके लिए जबरदस्त बात हो जाएगी। वैसे एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, आसान है। देखिए, पायरविक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, लेकिन ये एंजाइम एक्चुअली डीकार्बोक्सिलेज भी है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। रूबिस्को भी एक ऐसा ही एंजाइम हुआ करता था, वैसा ही एंजाइम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज। इसका मतलब ये पायरविक एसिड से हाइड्रोजन भी निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है। तो अगर आपको प्रोडक्ट नहीं भी मालूम है तो आप ये मान के चलो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी। तो पायरविक एसिड जो कि 3 कार्बन का प्रोडक्ट था, उससे 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए, तो पायरविक एसिड में 3 कार्बन थे, 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकले तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा, एसिड से एसिड ही बनेगा, और उस एसिडिक एसिड का नाम है CH3COOH। अब आप इसको जानते हैं, इट इज एसिटिक एसिड, तो एक्चुअली एसिटिक एसिड बनेगा, लेकिन इस एसिटिक एसिड में को एंजाइम ए नाम का स्ट्रक्चर जुड़ेगा, और इसी वजह से इस एसिटिक एसिड में कोएंजाइम ए से जुड़ते ही एक प्रोडक्ट बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो देखिए, एक प्रोडक्ट हो गया CO2, एक हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन अभी अभी आपको मैंने बताया कि यह पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज भी है, और डिहाइड्रोजिनेज का मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। याद रखना, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जो रिमूव किया जाता है उसको पकड़ाया जाता है NAD के द्वारा।
तो तीसरा सब्सटेंस है एनएडी, और एनएडी अगर पाइरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकालेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा एनएडीएच। तो देखिए ये है आपकी तरफ सब्सट्रेट पाइरुविक एसिड कोएंजाइम एनएडी प्लस, इट विल गिव राइज एस्टाइल कोएंजाइम एनएडीएच एंड CO2। याद रहे इसमें मैग्नीशियम नाम का एक आयन यूज होता है, ये आप लोग कभी मत भूलें। एक और बात, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप जान जाएंगे यहां दो पाइरुविक एसिड बने थे और ये रिएक्शन सर ने एक बार लिखी एक पाइरुविक एसिड के लिए, तो इस रिएक्शन को आप जस्ट डबल कर सकते हैं। 2 मोल पाइरुविक एसिड, 2 मोल एस्टाइल कोएंजाइम, 2 मोल एनएडी जब रिएक्शन करेंगे तो 2 मोल एस्टाइल कोएंजाइम, 2 मोल एनएडीएच, 2 CO2 बनेंगे। और इस तरीके से ये लिंक रिएक्शन आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ेगी। शुरू हुई थी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, लिंक रिएक्शन स्टार्टेड इनटू इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बट इट कंप्लीटेड इनटू मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में कंप्लीट होने पर हर पाइरुविक एसिड से 1 मोल, हर पाइरुविक एसिड से अगर 2 मोल हो गया तो 2 मोल, 1 मोल से 1 मोल एस्टाइल कोएंजाइम में, 1 मोल एनएडीएच, 1 CO2 बना दे। और इस तरीके से हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम आ गए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम मैट्रिक्स के अंदर ही एक नई साइकिल की तरफ प्रोसीड करेंगे, एंड दैट साइकिल इज नोन एज क्रेब साइकिल। कितना आसान है भैया, ग्लाइकोलिसिस पहली रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस से पाइरुविक एसिड आया, पाइरुविक एसिड अगर बेटा फर्मेंटेशन करता तो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता, कैसे पड़ा रहता वो मैंने पढ़ा रखा है आपको पहले, लेकिन चूंकि पाइरुविक एसिड यहां नहीं पड़ा है बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस गया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर घुसा तो उसकी हुई लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन ये लिखी हुई है बड़ी आसानी से, अगर लिंक रिएक्शन को कभी भूलो तो याद रखना उसके एंजाइम का नाम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज उसका टोटल नाम है, लेकिन तुम उसको बोलना पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज। जब तुम पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेज बोलोगे तो बड़ा फीलिंग आएगी कि इससे हाइड्रोजन भी निकलना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलना है। किससे? पाइरुविक एसिड से। हाइड्रोजन कौन ले जाएगा? एनएडी, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग से निकल जाएगी, और याद रखना कोएंजाइम बचे हुए मटेरियल में जुड़ेगा और एसिटाइल कोएंजाइम बना देगा, और वो एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाएगा। तो लिंक रिएक्शन इज अ सेकेंड रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस इज अ फर्स्ट रिएक्शन, और ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट गया लिंक रिएक्शन में, और लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट गया थर्ड रिएक्शन में, दैट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। तो मैं बिना पूछे बता सकता हूं, या फिर मैं आपसे कहूं कि भाई क्रेब्स साइकिल कहां होती है, तो तुम बता दोगे क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म में नहीं होती बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती। तो ये क्रेब्स साइकिल क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज क्रेब्स साइकिल, हटाते हैं इसे। चलिए, ग्लाइकोलिसिस हो गई, ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लोग लिंक रिएक्शन कर बैठे, लिंक रिएक्शन के बाद अब हम लोग क्रेब्स साइकिल की तरफ प्रोसीड करने जा रहे हैं। और याद रखें क्रेब्स साइकिल कहां क्या क्या हो सकती है वो बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। याद रखना पहली बात है क्रेब्स साइकिल, इस क्रेब साइकिल को डिस्कवर किया था हैंस क्रेब ने, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। याद रखना इट इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। याद रखना सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 COH ग्रुप है, 3 COH ग्रुप है सिट्रिक एसिड में, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसी को TCA के नाम से भी जानते हैं, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक साइकिल, TCA, और ये साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। सो आप लोग याद रखिए ये साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में दो ही प्रोसेस हो रहे हैं, यहां पर में भी दो ही प्रोसेस है, वन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। अगर कभी कोई तुमसे पूछे कि क्रेब साइकिल में कौन से मुख्य दो प्रोसेस हैं, बेटा दो ही प्रोसेस, या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही या तो डिहाइड्रोजिनेशन,
यानी डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, और हाइड्रोजन का रिमूवल है एक्चुअली इट इज ऑक्सीडेशन, तो प्रोसेस एक्चुअली यहां पर भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। वो साइकिल कैसी हो मैं पढ़ा लूंगा, पहले इतना याद रखना। क्रेब साइकिल हैंस क्रेब ने डिस्क्राइब की, सिट्रिक एसिड साइकिल है, तीन COH ग्रुप होते थे, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, TCA साइकिल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होने के साथ साथ इसमें दो ही प्रोसेस होते हैं, एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, दूसरा डिकार्बोक्सिलेशन। सो अब जिसे तुम सेल मान रहे थे अब इसे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स मानो। अब अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो आप मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अब आप इसे सेल मत मानिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब चूंकि तुम जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया की डबल लेयर होती है, तो ये हो गई एक आउटर लेयर, और एक मेरे खातिर आप एक इनर लेयर यहां पर बना लो, ताकि फीलिंग रहे कि आप क्या करने जा रहे हो। अब ये नॉच होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो दिखाने के लिए मैंने बता दिया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन से आए, ये रहे लिंक रिएक्शन से आए एसेटाइल कोएंजाइम, ये रहा एसेटाइल कोएंजाइम। अब इस एसेटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन हैं? दो कार्बन, और इसके साथ क्या क्या होने वाला है, दैट इज नोन एज क्रेब साइकिल। पढ़ते याद रखना, इसके साथ एक एसिड होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं एक निमोनिक्स बना करके एक फॉर्मूला बना के याद करा रहा हूं। जब कभी भी आपको कहीं ऑक्सैलो लिखा हुआ मिल जाए, उसके आगे आप अपने मन में दो सोच लो, और आगे जो एसिड लिखा हो उसके कार्बन सोच लो। यहां पर लिखा है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में दो कार्बन, ऑक्सैलो में दो कार्बन, टोटल चार कार्बन, यानी ये एक चार कार्बन का प्रोडक्ट है, जो कि दो कार्बन के प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करता है। चार और दो मिलकर के हो गए छह, और छह कार्बन का एक एसिड बनता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। इस सिट्रिक एसिड की वजह से ही साइकिल का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल था। छह कार्बन के इस एसिड में तीन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, अभी पढ़ा दिया था। तो चार कार्बन, दो कार्बन, चार और दो आपस में जुड़े और बना सिट्रिक एसिड। ओके, सिट्रिक एसिड से वाटर निकला और एक प्रोडक्ट बना। मैं इस प्रोडक्ट का जनरली नाम बताता नहीं, खैर। इसके बाद प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बना उसमें वाटर जुड़ा। आप कहोगे सर पागल हो, सिट्रिक एसिड से पानी निकाला था, जो बना था उसमें अगर पानी जोड़ दिया तो फिर से सिट्रिक एसिड बन जाएगा। मैं कहूंगा यस, इसको याद करने का यही तरीका है, इट इज नोन एज आइसोसिट्रिक एसिड। कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा, खैर कोई बात नहीं। सिट्रिक एसिड से पानी निकाला, कुछ बना, उसमें पानी जोड़ा, आइसोसिट्रिक एसिड। ये दोनों स्टेप एकोटिनेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में होते हैं, और इसी एकोटिनेज नाम के एंजाइम को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर सिस एकोटिनिक एसिड नाम का एक एसिड बना। तो याद रखना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चार में से दो कार्बन जुड़े, छह कार्बन का सिट्रिक एसिड, छह कार्बन का सिस एकोटिनिक एसिड, छह कार्बन का आइसोसिट्रिक एसिड। हम सबके ग्रेट सर द सिंह सर, इन्होंने एक फार्मूला मुझे दिया था, मैं वो फार्मूला आपको बताता हूं। बोलते हैं क्रेब साइकिल में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। मैंने बोला था क्रेब साइकिल में दो ही रिएक्शन है, एक डिहाइड्रोजिनेशन, एक डिकार्बोक्सिलेशन। तो बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन के स्टेप याद रखने के लिए फॉर्मूला याद रखो, आई अल्फा एस एम। सिंह सर तो इसमें पी भी जोड़ते हैं, वो पी आई अल्फा एस एम बोलते हैं, लेकिन मैं यहां पर क्रेब साइकिल में आई अल्फा एस एम बता। So, ये जो आई शब्द है इट इज आइसोसिट्रिक एसिड, इसका मतलब आइसोसिट्रिक एसिड में डिहाइड्रोजिनेशन होने वाला है। यस, सो आइसोसिट्रिक एसिड से हाइड्रोजन निकले, और याद रखना जब भी हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में निकलेंगे उसे एनएडी पकड़ेगा और एनएडीएच में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली दीज आर द प्लेस वेयर डिहाइड्रोजिनेशन अकर। ओके, और डिहाइड्रोजिनेशन के बाद यहां पर बना ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में चार और ऑक्सैलो में दो, चार और दो छह कार्बन का एक प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो चार दो छह कार्बन, छह कार्बन, छह कार्बन, छह कार्बन। नाउ ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड में हुआ डी कार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 निकली।
याद रखना। और CO2 निकलने की वजह से 6 में से एक CO2 निकल गई, 5 कार्बन का एक प्रोडक्ट बना, नाम बना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अच्छा, हम लोग को यह लर्न कराया जाता था कि यह मॉलिक्यूल अकेला 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, यानी इसके अलावा पूरी क्रिप साइकिल में 5 कार्बन कहीं है नहीं। तो आप कहोगे सर ये कितने कार्बन थे, 6, ये कितना था 2, ये कितना था 4, ये कितना का 5, तो सर इसके बाद तो सारे प्रोडक्ट 5 के होने चाहिए। हमने कहा नहीं होंगे, अगर हम यहां से CO2 निकाल दें तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के पहले एक CO2 निकली और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के बाद एक CO2 निकल गई, ये भी डिकार्बोक्सिलेशन याद रहेगा। और स्टेप बना सक्सिनिल कोएंजाइम ए, और भी चीजें मिलकर के सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनाते। खैर, आई के साथ आपको दूसरा शब्द मिल गया अल्फा, यानी आई पर डिहाइड्रोजिनेशन हुआ तो अल्फा पर भी होगा। यस, यकीनन यहां पर भी डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और NAD से बना NADH। सो एक NADH आइसोसिट्रिक ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड के बीच में और एक हुआ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और सक्सिनिल कोएंजाइम के बीच। नाउ सक्सिनिल कोएंजाइम विल फॉर्म द सक्सिनिक एसिड। बस इस स्टेप को याद रखना है, इस स्टेप में यहां पर एक GDP से GTP बनती है। NCERT यहां पर ATP भी लिखती है, कोई बात नहीं, आप ATP भी लिख सकते हो, बस याद रखना। सक्सिनिक एसिड से बनेगा फ्यूमेरिक एसिड और बच्चा ये अकेली रिएक्शन है सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होती, याद रखना मेम्ब्रेन में होती इनर मेम्ब्रेन। और इसका एंजाइम, ये वाला स्टेप, इस बाकी सब मैट्रिक्स में हो रहा है, ये वाली रिएक्शन बेटा मेम्ब्रेन में होती। इसका एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत बार ये एंजाइम पूछा गया है कि पूरी क्रेब साइकिल का अकेला एंजाइम जो मैट्रिक्स की बजाय मेम्ब्रेन में है, इट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पर भी S शब्द आ गया, S का मतलब सक्सिनिक एसिड और यहां पर भी डिहाइड्रोजिनेशन होता है। याद रहे, जब तक मैट्रिक्स में डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था NADH बन रहे थे और जैसे मेम्ब्रेन में डिहाइड्रोजिनेशन हुआ FAD से बना FADH और फ्यूमेरिक एसिड से बना मैलिक एसिड, ये याद रखिएगा, और फिर मैलिक एसिड से बना ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। और इस तरीके से हमने अपना M पाया। M फिर से बेटा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हो रहा है और फिर से मैं यहां पर OAA लिख दे रहा हूं, दैट इज ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। यहां से फिर से बेटा ये रिएक्शन हुई डिहाइड्रोजिनेशन की और फिर से NAD से बना NADH। तो आप देखिए क्रेब साइकिल में एक NADH, दो NADH और तीन NADH, तीन NADH बन गए क्रेब साइकिल में। देखिए तीन NADH, एक दो तीन, और एक FADH बन गया। ये रहा एक FADH, इसके अलावा दो CO2, एक अल्फा कीटो के पहले और एक अल्फा कीटो के बाद दो CO2 प्रोड्यूस हुई। और इस तरीके से डिहाइड्रोजिनेशन के ये स्टेप हो गए, ये दोनों स्टेप डिहाइड्रोजिनेशन के और ये डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप हो गया। और इस तरीके से हमने कंप्लीट की क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल में हमने वही दो प्रोसेस देखे, या तो डिहाइड्रोजिनेशन या तो डीकार्बोक्सिलेशन। या तो हमने डिहाइड्रोजिनेशन देखे या तो डीकार्बोक्सिलेशन देखे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार मैं ये पूरी की पूरी साइकिल आपके सामने फिर से बता दूं, आप इसे भूलिएगा मत। तो एस्टाइल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से सिस एकोटेनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। और इस तरीके से तीसरी रिएक्शन भी पूरी हुई।
अब देखिए यहां पर आते आते आपके लिए चैप्टर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहां तक आते आते आधे बच्चे तो अपना धैर्य अपना पेशेंस खो देते हैं, कहते हैं सर हमको तो नहीं आया। इसलिए मैं यहां पर एक छोटा सा हॉल्ट लेकर दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे आप चाहेंगे नहीं कि मैं दोबारा समझाऊं, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए। मान लीजिए वापस लौटते हैं, ये सेल है, ये रही सेल, ओके। सो ये रहा साइटोप्लाज्म, हमने मान लिया कि ये साइटोप्लाज्म है जिसको हमने बताया ये साइटोप्लाज्म, और ये वाला पोर्शन मैंने बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप मेरे सामने क्या क्या रे डायग्राम खींच सकते हैं वो मैं देखूंगा। अगर वो रे डायग्राम आप सारे सही ढंग से खींच गए तो काम बन जाएगा। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज था, ग्लूकोज से बना पाइरुविक एसिड, मैं केवल आपके लिए बार बार ये कर रहा हूं, 2 मोल पाइरुविक एसिड। यहां एटीपी यूज हुआ, एक और एटीपी यूज हुआ, 2 एनएडीएच बने, फिर 2 एटीपी बने और 2 एटीपी बने, ये आप देख चुके हो। या तो ये फर्मेंटेशन में जाए, हम फर्मेंटेशन की बात कर ही नहीं रहे, ये पायरविक एसिड गया लिंक रिएक्शन में और इसने बनाया एसिटाइल को एंजाइम में, फर्मेंटेशन नहीं बल्कि लिंक रिएक्शन यहां पर हुए, और इस लिंक रिएक्शन में हमें मिले एनएडीएच, एक मॉलिक्यूल से एक एसिटाइल को एंजाइम, इसलिए एक मॉलिक्यूल से एक एनएडीएच और एक CO2 भी मिली। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं तो 2 मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल को एंजाइम में, 2 CO2 2 एनएडीएच। बहरहाल ये CO2 एसिटाइल को एंजाइम में गया क्रेब साइकिल में, जिसके पर मोल से यानी एक एसिटाइल को एंजाइम में से 3 एनएडीएच बने, एक एफएडीएच बना, एक जीटीपी भी बना था और 2 CO2 बने। अगर हम एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन रखें तो उसको बाद में डबल कर लेंगे तो बराबर डबल हो जाएगा। अगर मैं इसको बाद में डबल कर लूं, यानी ये 2 पायरुविक एसिड की बजाय 1 पायरुविक एसिड मान के चलूं, एक्चुअली 2 है लेकिन बाद में हम रिएक्शन डबल कर लेंगे, तो अगर हम देखें तो पायरुविक एसिड की क्रेब साइकिल तक जाते जाते 1 CO2 यहां और 2 CO2 यहां, टोटल 3 CO2 हमें मिल गए, और ये 3 CO2 एक मॉलिक्यूल से है तो 2 मॉलिक्यूल से कितनी, 6 CO2। और आपको मालूम है C6H12O6 में 6 मोल ऑक्सीजन जोड़ करके 6 CO2 + 6 वाटर ही बनते हैं, तो ये जो 6 CO2 है उनके स्टेप पता चल गए, एक लिंक रिएक्शन में, 2 क्रेब साइकिल में, 1 मोल से, और इसे डबल कर दो तो इट इज 6 मॉलिक्यूल। वन थिंग मोर कि सर यहां तो एटीपी बनते दिख रहे हैं, यहां पर एटीपी नहीं बना और यहां पर एक का दुक्का एटीपी बना, और आपने तो बोला था रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खूब सारे एटीपी बनने चाहिए, तो मैंने कहा बेटा चिंता मत करो, यस देयर इज वन मोर प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस नंबर 1 है ग्लाइकोलिसिस, ये प्रोसेस नंबर 2 है लिंक रिएक्शन, ये प्रोसेस नंबर 3 है क्रेब साइकिल, तो प्रोसेस नंबर 4 होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब भी मैं इस क्वेश्चन को पूछता हूं बच्चे ज्यादातर मुझे गलत जवाब देते हैं। खैर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लो ये इनर मेम्ब्रेन है तो इस इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होना, यानी एक बात तो है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस इनर मेम्ब्रेन में कहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से आएगा वो इलेक्ट्रॉन? ज्यादातर कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं फोटोसिस्टम 2 से। अरे पागल, फोटोसिस्टम 2 क्लोरोप्लास्ट की बात है, फोटोसिस्टम वाला कहानी ये नहीं है, रेस्पायरेशन है, तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? तो मैं बता दूं आपको, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन आएंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का समूह है।
अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एक प्रोटॉन बचता है। अगला क्वेश्चन कि नो डाउट सर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आएंगे, लेकिन हाइड्रोजन कहां से आएंगे? तो हमने कहा बेवकूफ हूं, ये देखो NADH, इस पे हाइड्रोजन है। मैंने कहा ये देखो NADH, इसके पास भी हाइड्रोजन है। ये देखो FADH, इसके पास भी हाइड्रोजन है। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी NADH और FADH हैं, वो पहले हाइड्रोजन पैदा करेंगे और उस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पैदा करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एटीपी बनेगी। तो भाइयों बहनों, जिन्हें आप एनएडीएच एफएडीएच समझ रहे हैं, वो एनएडीएच एफएडीएच ही नहीं है, क्योंकि वो एनएडीएच एफएडीएच हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, उस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन ईटीएस में जाएगा और एटीपी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये एनएडीएच और एफएडीएच एटीपी ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली थ्रू ईटीएस। तो अब बताओ ईटीएस कहाँ होती है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर, इनर। तो चलिए हम लोग ईटीएस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से देख लीजिए, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो गई और अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझनी पड़ेगी। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया समझ नहीं पाए आपके लिए ईटीएस समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ये बहुत आसान है समझना अगर आप बुद्धिमान हो। जैसे मैंने कहा एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए तुम यहां बनाओ, जैसे तुमने माइटोकॉन्ड्रिया यहां बनाई तो आपको इनर और आउटर मेम्ब्रेन दिखने लगे। ये रही आउटर मेम्ब्रेन, ये रही इनर मेम्ब्रेन, और मैं ये हिस्सा काटता हूं। मान लो ये हिस्सा काट के मैंने यहां रखा, तो ये हिस्से में एक मेम्ब्रेन है आउटर, मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है। आपको कहोगे सर नहीं समझ में आ रहे, ये वाला हिस्सा मैंने काटा, ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, ये उठाए। आउटर मेम्ब्रेन के बाद गैप है, गैप बना लो, और फिर रही इनर मेम्ब्रेन, सर ये रही इनर मेम्ब्रेन। So, ये रही आउटर मेम्ब्रेन, मैं लिख दे रहा हूं आउटर मेम्ब्रेन, ओ एम का मतलब आउटर मेम्ब्रेन। ये रही इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आई एम का मतलब इनर मेम्ब्रेन। ये रहा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और अब आपसे पूछता हूं कि अगर ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो ये बताओ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताओ इस ओर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बने हैं? एनएडीएच। माइटोकॉन्ड्रिया में एनएडीएच एफएडीएच किससे बने हैं? या तो लिंक रिएक्शन से या तो क्रेब्स साइकिल से। तो ये जो एनएडीएच और एफएडीएच हैं, इनकी जर्नी है इस इनर मेम्ब्रेन में, और इसी जर्नी को हम लोग बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम देते हैं। और ये कैसे होता है, चलिए मैं इसे दिखाने की कोशिश करता हूं। NADH, ध्यान से देखिए, ये जो NADH है अपना हाइड्रोजन देकर के NAD में कन्वर्ट हो गया। देख लीजिए, NADH ने अपना हाइड्रोजन NAD को दिया। ओके, अब अगर आप पेज नंबर NCERT का ओपन कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, बहुत ज्यादा आसान रहेगा देखने के लिए। वो हाइड्रोजन प्रोटॉन निकाल करके इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में भेज दिया। प्रोटॉन के बाद अगर हाइड्रोजन से प्रोटॉन निकल जाए तो बचता है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गया FMN नाम के मटेरियल में। FMN से ये FES तक गया, इलेक्ट्रॉन FMN से FES की तरफ गया और FES से ये पहुंचा यूबिक्विनोन के पास। ध्यान समझिएगा, NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बेटा मेम्ब्रेन को दिया, मेम्ब्रेन ने इलेक्ट्रॉन निकाला, प्रोटॉन पंप कर दिया, FMN FES से यूबिक्विनोन तक बेटा इलेक्ट्रॉन पहुंचा। याद रखना, यूबिक्विनोन तक और NADH से यूबिक्विनोन तक जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर, ध्यान सुनिए, दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर,
इन सब को हम लोग कॉम्प्लेक्स वन का नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स वन। देख ले डायग्राम में आपको समझ में आ रहा कि नहीं, क्योंकि एक ही बार पढ़ा पाऊंगा, बार बार नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैं बार बार नहीं पढ़ाने के मूड में हूं। अब आप मुझसे पूछ सकते हो NADH कहां से आया था, तो मैं बताऊंगा NADH आया था या तो लिंक रिएक्शन से या क्रेब्स साइकिल से। वो NADH NAD कन्वर्ट होता है, NAD में से बेटा जब कन्वर्ट होता है H देता है, H से इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन पंप किए जाते हैं इंटरमेम्ब्रेनस। इनकी बैलेंस इक्वेशन बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो अब ये देखो। और ये जो इलेक्ट्रॉन गए FMN, FMN से गए FPS, FPS से गए यूबीकिनोन, यूबीकिनोन तक पहुंचते पहुंचते इतने इलेक्ट्रॉन कैरियर मिले, NADH, FMN, FPS, यूबीकिनोन, इसे बोला गया कॉम्प्लेक्स वन। ओके समझ गए, ओके। नाउ कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बेटा, याद रखना, यूबीकिनोन से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से जा सकता है फिर से एफएमएन, और फिर से पहुंच सकता है साइटोक्रोम सी वन। सो साइटोक्रोम बी से लेकर सी वन तक, साइटोक्रोम बी से लेकर के सी वन तक इट इज कॉम्प्लेक्स थ्री। ओके चलिए फिर से बोलिए, NADH से NAD हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन से बेटा इलेक्ट्रॉन निकला FMN, FES, यूबीकिनोन, यूबीकिनोन से कॉम्प्लेक्स थ्री, यानी यहां से लेकर कॉम्प्लेक्स वन और कॉम्प्लेक्स वन से कॉम्प्लेक्स थ्री। लेकिन कॉम्प्लेक्स थ्री तक पहुंचने का एक और रास्ता है, और उस रास्ते को भी यूबीकिनोन ही पहुंचाते हैं। लेकिन इस यूबीकिनोन तक पहुंचने के लिए यू हैव टू हैव कॉम्प्लेक्स टू। कॉम्प्लेक्स टू भी इनर मेम्ब्रेन में है, याद करिए, ये एंजाइम जिसका नाम बताया था मैंने सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, मैंने बोला था एक ही एंजाइम है पूरी की पूरी क्रेब्स साइकिल का, जो मैट्रिक्स में ना होकर के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट के दौरान मैंने बताया था सक्सिनिक एसिड, भूले नहीं हो तो, अगर क्रेब्स साइकिल का ये स्टेप, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सॉरी सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मेरे से, आप उसे चेंज कर लीजिएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्रेब्स साइकिल में, भी उसे देख लीजिएगा। और जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है तब वो एफएडी से एफएडीएच बनाता है, एफएडीएच बनाता है, यानी एफएडी से एफएडीएच बनाता है, यानी हाइड्रोजन बनाता है। नाउ ये एफएडीएच अपना हाइड्रोजन यूबीकिनोन को दे सकता है और उससे प्रोटॉन यहां पंप किया जा सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन यूबीकिनोन में जाकर के फिर कॉम्प्लेक्स थ्री में जा सकता है। याद रखना इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स थर्ड, सॉरी कॉम्प्लेक्स टू। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हमेशा की तरह। देखिए आप कॉम्प्लेक्स वन से भी कॉम्प्लेक्स थ्री में जा सकते हैं और कॉम्प्लेक्स टू से भी कॉम्प्लेक्स थ्री में जा सकते हैं। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स थ्री तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो आप NADH से जाओ या तो आप FADH से जाओ। खैर जैसे कॉम्प्लेक्स थ्री से गए साइटोक्रोम बी के बाद सी वन, सी वन के बाद आपको मिलता है साइटोक्रोम सी। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं होता, इट इज अ मोबाइल एलिमेंट, ये मूव करता रहता है। नाउ साइटोक्रोम सी के बाद आता है साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए थ्री, एंड दिस साइटोक्रोम ए एंड ए थ्री इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स फोर। अगर जरा सी भी दिक्कत आई है तो आप मेरे से एक बार फिर से सुन लीजिए, या तो आप NADH से रास्ता चालू करेंगे तो NADH से कॉम्प्लेक्स वन, वन से थ्री, थ्री से फोर, तो वन थ्री फोर, और अगर आप टू से आए, FADH से आए तो FADH से कॉम्प्लेक्स टू, टू से थ्री, थ्री से फोर।
तो या तो आप 1 3 4 मूव करेंगे या तो आप 2 3 4 मूव करेंगे, लेकिन इस मूव करने के दौरान आप अपना इलेक्ट्रॉन मूव कराते कराते अल्टीमेटली साइटोक्रोम A3 पर छोड़ेंगे और साइटोक्रोम A3 इस इलेक्ट्रॉन को देगा ऑक्सीजन को एंड ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव। ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इस निगेटिव ऑक्सीजन के पास बहुत निगेटिव वैलेंसी है और तुम देख नहीं रहे हो कि यहां पर प्रोटॉन इकट्ठा हो चुके हैं। इन प्रोटॉन इकट्ठा होने का कारण है ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव ना करते तो हाइड्रोजन ना टूटता और हाइड्रोजन ना टूटता तो प्रोटॉन ना बनते। ये रहे प्रोटॉन और ये रही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। ये अपने पॉजिटिव बेटा चार से बेचैन, वो अपने निगेटिव चार से बेचैन, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास अलग अलग हैं क्योंकि बीच में पड़ी है मेम्ब्रेन। अगर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस याद है तो आपको मालूम है ये प्रोटॉन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के लिए वो F0 F1 पार्टिकल का यूज करेंगे। यानी F0 F1 पार्टिकल का जब वो यूज करेंगे, मैं ब्लू कलर से बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये प्रोटॉन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे और जैसे ही मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे ये प्रोटॉन वहां पर निगेटिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाएंगे वाटर। लेकिन चूंकि प्रोटॉन अपनी हायर कंसेंट्रेशन से अपनी लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ गया और ये F0 पार्टिकल है और ये F1 पार्टिकल है, तो यहां पर एक हाइपोथेसिस लगती है। इस हाइपोथेसिस का नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और इस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की वजह से ATP पैदा होती है। एक बार खूब ध्यान से समझ लो ना, NADH इलेक्ट्रॉन देता तो प्रोटॉन बनते, ना FADH इलेक्ट्रॉन देता तो प्रोटॉन बनते, अगर प्रोटॉन ना बनते तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ना होती और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ना होती तो ATP ना बनते। इसका मतलब ATP बनने में या तो NADH का रोल है या तो FADH का। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, मैं बोला रहा हूं ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लॉस है, कॉम्प्लेक्स 3 में जो बेटा एनर्जी लॉस है और कॉम्प्लेक्स 4 में जो एनर्जी लॉस है वो एक एक ATP के बराबर है। इसका मतलब है जब आप जर्नी NADH से चालू करोगे तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिस, यहां पर ATP सिंथेटेज नाम का एंजाइम है, ATP सिंथेटेज, और इस ATP सिंथेटेज नाम के एंजाइम को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5। और ऐसा माना जाता है ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जिस जिस से एसोसिएटेड होगा वहां वहां केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होगी और वहां वहां ATP बनेगी। और ये माना जाता है कि ATP सिंथेटेज इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स 1। इसका मतलब एक ATP कॉम्प्लेक्स 1 में बनती है। इट इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स 3, इसका मतलब दूसरी ATP कॉम्प्लेक्स 3 में बनती है। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद, ATP सिंथेटेज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स 4, इसका मतलब तीसरी ATP कॉम्प्लेक्स 4 में बनती है। और इसको बनाने वाला है ATP सिंथेटेज, जो कौन सी हाइपोथेसिस यूज करता है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसलिए अगर आपने NADH से जर्नी चालू की, NADH से जर्नी चालू की, तो आप कॉम्प्लेक्स 1 से भी गए, 3 से भी गए, 4 से भी गए, इसलिए 1 का भी ATP मिला, 3 का भी मिला और 4 का भी मिला। इसलिए जो लोग अपनी जर्नी NADH से करेंगे वो NADH की वजह से 3 ATP प्रोड्यूस करेंगे। ये बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर समझ में नहीं आया, अगर आप NADH से जर्नी करते हो तो आप ETS में 1 3 4 के थ्रू जाओगे, 1 से जाओगे 1 ATP मिलेगी, 3 में जाओगे 1 ATP मिलेगी, 4 में मिलेगी 1 ATP। तो अगर आप 1 3 4 गए, इसका मतलब आपने NADH से जर्नी चालू की, तो NADH आपको 3 ATP देगा। लेकिन अगर आपने FADH से जर्नी चालू की तो देखिए आपको ये वाला ATP नहीं मिलेगा, 2 से जाएंगे 3, 3 से जाएंगे 4, तो इसका मतलब
थ्री वाला एटीपी मिलेगा, फोर वाला एटीपी मिलेगा। इसका मतलब एनएडीएच बराबर तीन एटीपी और एफएडीएच बराबर दो एटीपी होगा। तो जहां जहां तुम्हें एनएडीएच दिख जाए उसका मतलब तीन एटीपी है, और जहां जहां आपको एफएडीएच दिख जाए उसका मतलब दो एटीपी है, और वो किसके थ्रू है, वो है ईटीएस के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। नाउ ये हो गई चौथी साइकिल, और इस तरीके से मैं आपको रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आखिरी टॉपिक है। इसके बाद मैं मान लेता हूं कि आप आरक्यू पढ़ लेंगे, टाइम नहीं है मेरे पास, और ये भी मान लेता हूं कि आप एम्फीबोलिक पाथवे भी पढ़ लें, ऐसा पाथवे जिसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों। खैर चलिए, प्रोसेस नंबर वन, इट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज में पूरा उठा रहा हूं, पूरा प्रोसेस ग्लूकोज से दो मोल पायरविक एसिड, इसलिए बहुत आसानी से उठा रहा हूं मैं। ओके नाउ लिंक रिएक्शन, दिस इज अ सेकेंड रिएक्शन, पायरविक एसिड से एसेटाइल कोएंजाइम ए, एक एनएडीएच पर मोल, वैसे तो दो मोल है तो मैं बाद में कर लूंगा। नाउ एसेटाइल को एंजाइम से क्रिब साइकिल, तीन एनएडीएच, एक एफएडीएच, एक जीटीपी। चलिए यहां देखते हैं, एक एटीपी यूज, दूसरा एटीपी यूज, दो एनएडीएच बने, दो एटीपी बने, और ये दो एटीपी बने। तो सबस्ट्रेट लेवल पर कितने बने, चार एटीपी बने सबस्ट्रेट लेवल पर, दो और दो। सबस्ट्रेट लेवल पर कितने यूज हुए, दो यूज हुए, लेकिन ये दो एनएडीएच भी हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ईटीएस में शामिल हो सकते हैं, और एनएडीएच बराबर तीन एटीपी, एक एनएडीएच, तो दो दूनी दो, तियाई छ, छ एटीपी और मिले। इसका मतलब ये है एटीपी ईटीएस के। तो आप देखेंगे छ, चार एटीपी सबस्ट्रेट से, छ एटीपी ईटीएस से, दो एनएडीएच आप भूले नहीं है, तो छ और चार दस, दस एटीपी बने जिनमें से दो यूज हो गए, तो दस माइनस दो बराबर आठ एटीपी तो आपको केवल ग्लाइकोलिसिस से मिल गए। फिर से देख लो, दो एटीपी यूज हुए, चार बने, चार में से दो गया, दो बचा, पर ये दो एनएडीएच भी तो बना है, और एक एनएडीएच बराबर तीन एटीपी ईटीएस में, तो दो एनएडीएच बराबर छह एटीपी, तो छह एटीपी ये, चार ये, छह और चार दस बने, दो यूज हुए आठ। नाउ दिस, एक एनएडीएच ये, एक एनएडीएच बराबर तीन एटीपी का मतलब है तीन एटीपी, लेकिन तुम्हें मालूम है दो मोल पायरविक एसिड था, तो ये रिएक्शन दो बार मानी जाएगी, तो ये दो एनएडीएस होंगे, इसका मतलब टोटल छह एटीपी, तो लिंक रिएक्शन से छह एटीपी। दिस इज अ फाइनल, दिस इज अ फाइनल। नाउ क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में तीन एनएडीएच गुणे तीन गुणे दो, और जीटीपी तो एक जीटीपी है ही, तो याद रखना तीन गुणे तीन बराबर नौ, और दो ग्यारह, और एक बारह, नौ दो ग्यारह, ग्यारह एटीपी तो गए ईटीएस से, और बेटा एक एटीपी गया सबस्ट्रेट लेवल पर, टोटल एटीपी बारह एटीपी क्रेब साइकिल से। लेकिन आप भूल गए होंगे ये क्रेब साइकिल एक एसेटाइल को एंजाइम से हुई थी, और टोटल कितने एसेटाइल को एंजाइम बने हैं, दो, तो ये रिएक्शन होगी दो बार, तो 12 दूनी 24, 24 एटीपी है। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं समझ में, एक बार फिर से सुनो, ये पर मोल है ना, तो पर मोल तीन एटीपी, तो यहां दो पायरविक एसिड से, तो दो स्टाइल को एंजाइम, इसलिए 6 एटीपी। फिर पर मोल कितने हैं, 12 एटीपी पर मोल स्टाइल को एंजाइम, और टोटल स्टाइल को एंजाइम कितने बने हैं, दो, तो 12 दूनी 24, तो 24 एटीपी है, 6 एटीपी है, 24 और 6 30, और 8 एटीपी है 38, तो टोटल एटीपी कितने हुए, 24 क्रेब साइकिल,
छह लिंक रिएक्शन, आठ ग्लाइकोलिसिस, 24, 6, 30 और 8, 38, टोटल 38 एटीपी का गेन है बाय वन मोल ऑफ ग्लूकोज। एक मोल ऑफ ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे इट इज 38 एटीपी जो आपको गेन होंगे। याद रखना ये वाला जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये एनएडीएस माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं है, साइटोप्लाज्म के, इसलिए यहां शटल सिस्टम यूज होता है। और चूंकि आपकी एनसीईआरटी में शटल सिस्टम है नहीं, तो मैं मान के चलता हूं कि बिना शटल सिस्टम के मैं क्वेश्चन पढ़ा दे रहा हूं। फिर कभी वक्त मिला तो और पढ़ाएंगे। फिलहाल ये था रेस्पिरेशन इम्प्लांट। दो चीजें बच जाती हैं, आरक्यू। आरक्यू कुछ नहीं होता, आरक्यू इज बस CO2 बाई O2, कितना ऑक्सीजन आपने यूज किया और कितनी CO2 निकले। जैसे C6H12O6 प्लस 6O2, इट विल प्रोड्यूस 6CO2 प्लस 6H2O। तो आपने देखा 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल ऑक्सीजन यूज हुए, 1। इसका मतलब ग्लूकोज के लिए RQ 1 है। सो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ हमेशा 1 होती है, प्रोटीन के लिए 0.1 और फैट के लिए 0.7। फैट के लिए लगभग 0.7 RQ होती है, प्रोटीन के लिए लगभग 0.9। और इस तरीके से आप RQ को मतलब समझ सकते हैं। सो दिस वॉज द टोटल जो मेरे पास समय था उस हिसाब से मैंने पढ़ाया। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय, फिर कभी मिलते हैं। थैंक यू।